दोस्तों आज होगा सऊदी अरेबिया से WWE का क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट जो कि हमें रात को 9:30 बजे से देखने को मिलेगा। और हमारे लिए दोस्तों अच्छी बात यह है कि सुबह उठने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको रात को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर WWE ने काफ़ी सारे बड़े मैचेस को ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है और यहाँ पर जो हाइप है वो भी WWE ने काफ़ी तगड़ी क्रिएट करके रखी हुई है क्राउन जूल के अराउंड। तो यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम रखने वाले हैं हमारी फाइनल प्रेडिक्शन। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं और क्राउन जूल से पहले आपको ये वीडियो ज़रा सी भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जो पहला मैच है वो यहाँ पर कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में। यहाँ पर दोस्तों कोडी रोड्स को फीचर करने के लिए क्राउन जूल के अंदर WWE ने इस मैच को सेटअप किया है और यहाँ पर दोस्तों क्लियर फेवरेट है कि कोडी रोड्स इस मैच के अंदर जीतने वाले हैं और हमारी भी फाइनल प्रेडिक्शन रहने वाली है कि कोडी रोड्स इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद जो अगला मैच है वो है यहाँ पर लोगन पोल वर्सेस रे मिस्टेरियो के बीच में जो कि होगा US चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पर दोस्तों लोगन पोल के लिए काफ़ी बड़ा मैच है और लोगन पोल के करियर के लिए यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर लोगन पोल अपनी पहली चैंपियनशिप को जीत सकते हैं और हमारी फाइनल प्रेडिक्शन रहने वाली है कि लोगन पोल इस मैच के अंदर रे मिस्टेरियो को हरा कर नए चैंपियन बनने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगला मैच है यहाँ पर ईओ स्काई वर्सेज बियांका ब्लेयर के बीच में जो कि होगा WWE वुमेन चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पर दोस्तों बियांका ब्लेयर को उनका रीमैच नहीं मिला था लेकिन अब WWE ने उनको उनका रीमैच दे दिया है। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस मैच के विनर के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों ईओ स्काई अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाली है और यही हमारी फाइनल प्रेडिक्शन है। इसके बाद दोस्तों अगला मैच है यहाँ पर जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच में और दोस्तों जॉन सीना के लिए भी मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सोलो सिकोवा के लिए भी मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोलो सिकोवा की जो मैचेस के अंदर लॉस्ट है वो हमें काफ़ी रेयर देखने को मिलती है और जॉन सीना ने जिस तरीके से अपने प्रोमोज के अंदर बोला है कि उनके लिए ये मस्ट विन मैच होने वाला है तो यहाँ पर जॉन सीना के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है और हमारी प्रेडिक्शन यहाँ पर रहने वाली है फाइनल प्रेडिक्शन कि जॉन सीना इस मैच के अंदर जीतने वाले हैं और सोलो सिकोवा को हरा देंगे और काफ़ी लंबे समय के बाद जॉन सीना को विक्ट्री हासिल मिलेगी एक सिंगल्स मैच के अंदर। दोस्तों इसके बाद जो अगला मैच है वो यहाँ पर फेटल फाइव वे मैच जो कि होगा वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रिया रिपली वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस शेना बेजलर वर्सेस रकेल वर्सेस जोई स्ट्रॉक के बीच में। बात करें दोस्तों इस मैच के रिजल्ट के बारे में ही तो दोस्तों यहाँ पर रिया रिपली का काफ़ी स्टॉक काफ़ी हाई चल रहा है और WWE ने उनको क्राउन जूल के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देने के लिए WWE ने इस मैच को सेटअप किया है। तो यहाँ पर रिया रिपली हमारी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि रिया रिपली यहाँ पर इस मैच के अंदर सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के बारे में जो कि है सेथ रोलंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में और भाई साहब इस मैच की जो हाइप है वो काफ़ी तगड़ी WWE ने क्रिएट करके रखी हुई है। यहाँ पर किसी भी सुपरस्टार के साथ जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि सेथ रोलंस जीतने वाले हैं या फिर ड्रू मैकइंटायर जीतने वाले हैं। जो दोस्तों मैंने पहली प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी वहाँ पर मैंने सेथ रोलंस को पिक किया था लेकिन दोस्तों अब जो रिपोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुकी हैं और यहाँ पर मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है कि इस मैच के अंदर टाइटल चेंज हो सकता है। तो हमारी फाइनल प्रेडिक्शन यहाँ पर रहने वाली है कि ड्रू मैकइंटायर इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल करके नए चैंपियन बनने वाले हैं और नो मोर ब्रोकन ड्रीम्स जो कि ड्रू मैकइंटायर बोलते आ रहे हैं अब दोस्तों फाइनली ड्रू मैकइंटायर का जो ड्रीम है वो फुलफिल होने वाला है और ड्रू मैकइंटायर इस मैच के अंदर नए चैंपियन बन जाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में जो कि है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेस एलन नाइट के बीच में। और ये मैच दोस्तों थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है, जो एलन नाइट है वो राइजिंग सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, फैंस को उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और इस टाइम पर फैंस ये बोल रहे हैं कि एलन नाइट को चैंपियन बना देना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि WWE इतनी जल्दी वो डिसीजन नहीं लेने वाली कि रोमन रेंस का इतना लंबा टाइटल रेन एलन नाइट एंड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी फाइनल प्रेडिक्शन है वो रहने वाली है कि एलन नाइट इस मैच के अंदर हारने वाले हैं और रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शॉकिंगली हमें डेमियन प्रीस्ट की इंटरफेरेंस भी देखने को मिल सकती है। डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर कैश इन भी कर सकते हैं जैसा कि वो बोल रहे हैं कि क्राउन जूल के अंदर अब वो कैश इन करने ही वाले हैं। तो डेमियन प्रीस्ट का कुछ ना कुछ रोल क्राउन जूल के अंदर काफ़ी मैसिव होने वाला है। तो आज की ये प्रेडिक्शन वीडियो इतनी सी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने के लिए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।